हरे कृष्णा। गोवर्धन में हम जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुसुम सरोवर से, तो स्थान आता है मुखारविंद एंड मानसी गंगा। दोनों साथ साथ में है। मुखारविंद इसलिए क्योंकि गोवर्धन जी एक मोर पिकॉक की शेप में है, तो राधा कुंड और श्याम कुंड उनके नेत्र हुए और मुखारविंद जो स्थान है उनका मुख माना गया है। आगे चलकर दान घाटी उनकी गर्दन और पुछड़ी एक स्थान है जिसको पूंछ माना गया है गोवर्धन का। तो यहीं पर मानसी गंगा भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब एक राक्षस जिसका नाम वत्सासुर था उसका वध किया, तो सारे उनके सखा कहने लगे कि हम आपसे अभी कोई संग नहीं करेंगे, आपने एक गोवत्स एक बछड़े की हत्या की है। लेकिन कृष्ण ने बताया, अरे ये तो राक्षस था, बछड़े का वेश बनाकर आया था। उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं उससे, कम से कम था तो एक बछड़े के वेश में। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो क्या करना पड़ेगा, तो सबने मिलकर कहा आपको गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, पाप धोने पड़ेंगे, तभी हम आपके साथ खेलेंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो कृष्ण ने वहीं पर अपनी बांसुरी से एक छोटा सा गड्ढा बनाया और अपने मन में गंगा जी का स्मरण किया, और उसी छोटे से गड्ढे में से वो जो छेद था, कह सकते हैं गड्ढा भी नहीं, उसमें से गंगा जी की धार प्रकट हो गई और वो इतनी बड़ी हो गई जिसने नाम ले लिया और रूप ले लिया मानसी गंगा का। क्योंकि ये गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई, मन से भगवान ने बुलाया, इसके लिए नाम पड़ गया मानसी गंगा। आज जब जाकर आप देखते हैं तो बहुत कम पानी रह गया, बहुत छोटी हो गई है, लेकिन एक समय कहा जाता था जहाँ पर ये जो नदी है, एक जलाशय है, ये बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि 5 मील चौड़ाई थी इसकी, और यहाँ पर श्री राधा रानी और कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर नौका विहार लीलाएं होती रहती हैं। इसी स्थान पर चकलेश्वर महादेव है। महादेव यानी कि शिव जी एक रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर सनातन गोस्वामी की भजन स्थली है, और यहीं पर सुदर्शन चक्र को स्थान दिया भगवान ने। गोवर्धन लीला के बाद सुदर्शन ब्रज में ही रहना चाहते थे, तो भगवान ने कहा ठीक है आप मानसी गंगा के पास रह लीजिए। तो जहाँ सुदर्शन जी को स्थान मिला उसको कहते हैं चक्र तीर्थ। तो इस तरह से ये स्थान बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। हमेशा यहाँ आपको लोग मिलेंगे, चहल पहल मिलेगी। यहाँ पर जो मुखारविंद शिला है गिरिराज जी की गोवर्धन की, उसका लोग अभिषेक करते हैं, वहाँ छप्पन भोग करते रहते हैं। तो ये कुसुम सरोवर से कुछ 1.5-2 किलोमीटर के बाद आता है। तो जब आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप किसी जानकार आदमी के साथ जाइए, नहीं तो इसको मिस कर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सीधे चलकर एक आपको अंदर राइट लेना पड़ता है, नहीं तो बाहर बाहर से ही परिक्रमा मार करके आप निकल जाएंगे और इस स्थान को आप मिस कर देंगे। चकलेश्वर महादेव, चक्र तीर्थ, सनातन गोस्वामी भजन स्थली, मुखारविंद, मानसी गंगा। तो जो चक्र तीर्थ, चकलेश्वर महादेव और सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर थोड़ा अंदर जाके है, लेकिन मेनली आप मुखारविंद का दर्शन और मानसी गंगा का दर्शन अवश्य करें, और मानसी गंगा का थोड़ा जल अपने सर के ऊपर डाल सकते हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।